दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि आज साउथ इंडस्ट्री के नेचुरल स्टार यानी कि नानी की फिल्म दशहरा 5 लैंग्वेजों के माध्यम से भैया पैन इंडिया के तहत पूरे इंडिया में रिलीज की जा चुकी है। तो भाई इस फिल्म को इन 5 लैंग्वेजों के माध्यम से पहले दिन कितने का कलेक्शन मिल सकता है, इस बात की जानकारी अब मैं आपके सामने रखूंगा दशहरा के पहले दिन के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया आज दशहरा पूरे इंडिया में 5 लैंग्वेजों के माध्यम से रिलीज की जा चुकी है और भाई इस फिल्म को 5 लैंग्वेजों के माध्यम से भैया इस वर्किंग डे पर भैया अच्छा कलेक्शन मिला है मेरे भाई। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को आज मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 67.54% का। उसके बाद आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 63.28% का। उसके बाद इस फिल्म को इवनिंग के शो में तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 66.61% का। देन उसके बाद तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 13.78% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 18.81% का। और उसके बाद इवनिंग के शो में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 13.69% का। उसके बाद इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से जो आज मॉर्निंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 1.20% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 22.88% का। और इवनिंग के शो में इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 19.20% का। देन उसके बाद इस फिल्म को मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 6.33% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 7.58% का। और उसके बाद इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है मलयालम लैंग्वेज में वो आंकड़ा है 7.29% का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो आज मॉर्निंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 6.81% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 8.16% का। और उसके बाद इवनिंग के शो में इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 7.43% का। यानी भैया कुल मिलाकर यह फिल्म पहले दिन इन 5 लैंग्वेजों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन कर सकती है आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से, तो भैया वो आंकड़ा है लगभग 17 करोड़ से लेकर 19 करोड़ तक का। यानी भैया 17 करोड़ से लेकर 19 करोड़ तक का बिजनेस ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा देगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया वर्किंग डे पर भी अगर ये फिल्म पहले दिन 17 से 19 करोड़ का बिजनेस कर सकती है तो भैया आने वाले दिनों में इस फिल्म का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कितना स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।